झारखंड फुटबॉल एसोसिएशन की प्रिया एक का, जिन्होंने पूरे झारखंड में फुटबॉल को खिलाने का काम किया है। हम इनसे जानना चाहेंगे कि एसोसिएशन के द्वारा इन खिलाड़ियों को क्या सुविधाएं दी जाती हैं और कहां कहां ये पहुंचकर खेल खिलाई हैं। प्रिया एक का बताइए कि कहां कहां आप जाते हैं। वैसे तो हम उतना एक्सपीरियंस नहीं है, पर फिर भी हम बताना चाहेंगे कि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में ही बहुत सारे जगह में जो होता है खेल फुटबॉल, वो बहुत जगह खिला चुके हैं। जैसे गुमला, रांची में, तो ऐसे रांची में प्रॉपर हम रहते नहीं हैं यहाँ पे, जिसके कारण हम उतना टाइम नहीं दे पाते हैं। तो जितना भी हो पाता है मेरे से, मेरा इंटरेस्ट है इसलिए हम खिलाते हैं। आप इस क्षेत्र में क्यों आए, इसका क्या कारण रहा? ठीक है, सबसे पहले हम अपना पीछे का लाइफ को बताना चाहेंगे, क्योंकि हम पहले से ही खेलते आ रहे थे। तो मेरे साथ इंसिडेंट हुआ कि अचानक से मेरे फादर थे वो एक्सपायर हो गए, तो फिर उसके बाद हम छोड़ दिए खेलना, क्योंकि घर का कंडीशन के चलते हम खेलना बंद कर दिए। फिर देखे कि इंटरेस्ट था, देखना था, करना था, मेरा शुरू से ही इंटरेस्ट था और इच्छा था कि हम कुछ करें तो सिर्फ स्पोर्ट्स से रिलेटेड ही करें। और इसलिए हम काफ़ी लंबा गैप के बाद, एटलीस्ट 8-9 साल के बाद हम फिर से आए। फिर हम सोचे ये कि हम खेल तो नहीं सकते क्योंकि एज पार हो चुका है, तो फिर हम सोचे कि क्यों ना खेल तो नहीं सकते, खिला तो ज़रूर सकते, क्योंकि खिलाने में तो अभी एज पार नहीं हुआ, इसलिए फिर हम खिलाना स्टार्ट किए, और जो कि अभी हम एज ए रेफरी सब जगह खिला रहे हैं। तो एसोसिएशन में आने के लिए एक खिलाड़ी को क्या चाहिए? एसोसिएशन को एज ए रेफरी के लिए सबसे पहले तो एग्ज़ाम देना पड़ता है। एग्ज़ाम में एक रिटन एग्ज़ाम होता है और फिजिकल एग्ज़ाम, दो टाइप्स के एग्ज़ाम होते हैं। उसमें कंपलसरी है फिटनेस पास करना और एग्ज़ाम भी पास करना। तो आप जब खिलाते हैं तो आप किस तरह महसूस करते हैं ग्राउंड में रहकर, जहां पर चारों ओर एक भीड़ रहती है, आप जब मैदान में रहते हैं तो किस तरह की फीलिंग, किस तरह की सोच आपके अंदर रहती है? मेरे अंदर एक इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट के लिए इंटरेस्ट ऐसा है ना, मतलब गेम एक ऐसा है फील जो अंदर से निकल के आता है कि नहीं खिलाना चाहिए, खेलना चाहिए। अगर वो इंटरेस्ट ऐसा होता है जैसे कि अगर हम रात को, अगर पता चला कि हमको कल खिलाना है मैच, तो रात पर सोचते रहते हैं, फ्री होते रहता है माइंड में कि आज ऐसे खिलाना है, आज ये करना है, वो करना है। अगर वो मैच में बीच में कुछ इंसिडेंट के कारण अगर मेरे से मिस्टेक हो जाता है तो बहुत अपोलाइज होता है कि नहीं क्यों हमें ऐसा गलती कर दिया। वो बहुत दिन तक माइंड से जाता ही नहीं है कि ऐसा गलती क्यों हुआ मेरे से। मतलब एक ऐसा अंदर में फील होता है ना गेम के प्रति कि क्या बोला। कहा जाता है कि महिलाएं कुछ नहीं कर पाएंगी, कुछ नहीं कर सकती है, तो ऐसे में आप एक महिला होकर इस तरह के सोच रखती हैं, ये कहाँ से एनर्जी आई? देखिए, पहले तो वुमेन्स को बहुत ज़्यादा नीचे देखा जाता है कि नहीं वुमेन्स लोग ऐसा करती है, नहीं हो सकता है, क्यों करती है, ये करती है, वो करती है, बहुत सारा ऐसा बोला जाता है। पर मेरे ऑब्जर्वेशन से, हम सबसे फर्स्ट में जब कहीं मैच होता था ना फुटबॉल, हम अकेले खड़े होके देखते थे, पूरा भीड़ रहेगा बॉयज़ का, सिर्फ सिंगल हम खड़े रहते थे। अगर अभी आप देखा जाए तो इधर में पूरे ग्राउंड में कोई लेडी नहीं है, कोई वुमेन नहीं है, सिर्फ इंडिविजुअल हम हैं। वो आता है अंदर से कि नहीं करना चाहिए, होना चाहिए, अगर आप हिम्मत दिखाएंगे तो सब कुछ हो सकता है, अगर आप हिम्मत नहीं दिखाएंगे तो कुछ भी नहीं हो सकता। आपकी शुरुआत कहाँ हुई थी और लास्ट कहाँ, आपकी मंजिल कहाँ है? मेरा फर्स्ट में शुरुआत तो रांची से ही हुआ है, और वैसे हम तो बचपन से बोकारो में रहे हैं, बोकारो से ही करते आए, और बहुत इंटीरियर एरिया, मतलब कि गाँव से ही ऐसे सीखे देखे। फुटबॉल तो खेलते ही नहीं थे हम, पर खिलाना स्टार्ट किए, खेले कभी नहीं, फिर खिला रहे हैं। मंजिल क्या है? मंजिल है कि आगे तक पहुंच जाए। आप ग्रामीण क्षेत्रों के या शहर के क्षेत्रों की जो महिलाएं होती हैं, जो खेल का क्षेत्र में आगे आना चाहती हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? बस उनको इतना बोलना चाहेंगे कि बस अंदर में कॉन्फिडेंट होना चाहिए, कॉन्फिडेंट इतना पकड़ के रखिए कि आगे तक पहुँच जाए। अपना पूरा परिचय बता दो। मेरा नाम प्रिया इक्का है, और अभी बस करंट में रेफरी कर रहे हैं, और कभी कभी एथलेटिक्स में भी चले जाते हैं ऑफिशियल करने।